सब्सक्राइब कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल यूथ ग्लोबल नेटवर्क। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कल कहा था कि मैं रोज आपके लिए न्यूज लेकर आऊंगा, तो मैं अपने वादे के मुताबिक आपके पास आ चुका हूं अपने YouTube चैनल यूथ ग्लोबल के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की जुड़ी हुई खबरों के बारे में और जानेंगे देश और दुनिया की खबरों को। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, ताकि अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं जानता हूं दोस्तों आपके एक सब्सक्राइबर से मेरे चैनल का प्रमोशन हो सकता है और हमें आगे बढ़ने में कामयाबी मिल सकती है। तो आपने हमारी बातों को समझा होगा, जाना होगा, तो आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा यह बात कहता हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि यूपी और बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे कल आए, तो किस तरह से राजनीतिक माहौल में गर्मा गर्मी हो गई है। राजनीतिक माहौल ऐसा पहुंच गया है कि लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। वहीं विपक्षी पार्टी जो बहुत दिनों से जीत की प्यासी थी, वो कल जीत का स्वाद चखा हुआ है और वो खुशी के मारे फूले न समाए जा रहे हैं। और बीजेपी इस जीत को बहुत सीरियस ले रही है कि हम हार कैसे गए हैं, उन्होंने इस पे समीक्षा भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें बिहार से पहले जुड़ी हुई खबरों के बारे में, बिहार में आए नतीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि क्या मोदी जी अखिलेश मायावती के इस जीत के सिलसिले को रोक सकते हैं। आज आए जेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से सजा सुनाई जानी थी, लेकिन यह कल सुनाई जाएगी। बिहार उपचुनाव के परिणाम आने के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग कर दी है। तो क्या यह समझा जा सकता है कि अब आने वाला टाइम जिनकी जीत हो रही थी उनके लिए यह हार लगाम लेकर आएगी? तो हम बात करेंगे इसी सब मुद्दों के बारे में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको एक जरूरी सूचना हम दे देते हैं, आगे आने वाले दिनों में 4 दिन के बैंक के कार्यकाल के बारे में। बैंक से जुड़ी खबरें आपको बता दें, 29 मार्च को भगवान महावीर जयंती है, वहीं 30 मार्च को ईसाई समुदाय का प्रमुख त्यौहार गुड फ्राइडे है, जो कि राजकीय अवकाश घोषित है। 31 मार्च बैंक के लिए क्लोजिंग डेट होती है। 31 मार्च महीने का अंतिम शनिवार भी है। इसके बाद 1 अप्रैल को रविवार है। इस तरह 29 मार्च से 1 अप्रैल तक बैंक और सरकारी कार्यकाल बंद रहेंगे। हरियाणा से जुड़ी हुई कुछ खबरें हमारे पास आई हैं। हरियाणा विधानसभा में आज सर्वसम्मति से उस विधेयक को पारित किया गया जिसमें 12 वर्ष या उससे कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों को फांसी देने की सजा का प्रावधान किया गया है। सदन को सूचित किया गया है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरा राज्य बन गया है जहां विधानसभा ने यौन अपराधों के दोषियों को लिए मौत की सजा के प्रावधान को स्वीकृति दी है। एक और बड़ी खबर है गिरिराज सिंह से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि हम आतंकवाद और नक्सलवाद को कानून के नजरिए से देखते हैं, इन चीजों को हम राजनीतिक नजरिए से नहीं देखते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा था कि अब जहां पर जीत हुई है वहां पे नक्सलियों का राज होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने इस बयान में कहा है कि बीजेपी के लिए आगे अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। तो इस तरह की खबरें हम आपके लिए और लेकर आते रहेंगे और आपको हम देश और दुनिया से जुड़ी ही खबरों को दिखाते रहेंगे।
देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा यूथ ग्लोबल नेटवर्क सब्सक्राइब चैनल। कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को, और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।